मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से ही अल्पमत को लेकर मुसीबतों का सामना कर रही सरकार को विपक्ष का चौतरफा हमला झेलना पड़ रहा है। किसानों से लेकर बिजली और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। मुश्किल में कमलनाथ सरकार, विपक्ष का चौतरफा वार, बिजली, किसान और कानून व्यवस्था पर घिरी सरकार। विधानसभा चुनाव के बाद से जब से कमलनाथ सरकार बनी तब से उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जिन दावों के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लगातार उनकी हवा निकलती जा रही है, जिसकी वजह से मौके की तलाश में बैठी बीजेपी को सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक कई मुद्दे मिलते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुआ किसान कर्ज माफी का मुद्दा अब उसकी गले की फांस बनता जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किसान आक्रोश रैली निकालकर सरकार को किसान विरोधी बता दिया। कैलाश का आरोप है कि जिन किसानों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, आज उन्हीं किसानों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसी वादा खिलाफी करने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में बेहाल हो चुकी है। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार आई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। बच्चियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रदेश सरकार बच्चियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। इसलिए बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रही है। आज मुझे लगा मेरे बहनों और भाइयों, मेरे भोपाल के नागरिकों, कि सरकार के ऊपर दबाव तो डालनी चाहिए। हम डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सड़कों पर लड़ेंगे। कमलनाथ सुन ले, पूरी सरकार सुन ले, बेटियों का अगर इस तरह अपमान होता रहा तो मध्य प्रदेश में सड़कों पर लड़ाई होगी। हम इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। बिजली का मुद्दा भी इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में काफी छाया हुआ है। सरप्लस बिजली होने के बावजूद प्रदेश में हो रही अघोषित कटौती से सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। इसको लेकर दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है, एक तो उन्होंने जो वादा किए थे कि हम आते ही से 10 दिन के अंदर किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करेंगे, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, सिर्फ प्रमाण पत्र मिले हैं। 22,000, 25,000, 28,000 रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है। कहा था कि हम 5,000 बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता देंगे, वह भी नहीं दिया। और जितनी भी ये हमारी योजनाएं थी, आज जो उन्होंने चना कहा था 5,600 रुपए प्रति क्विंटल लेंगे, 3,600 रुपए में ले रहे हैं। क्या ये किसानों के साथ धोखा नहीं? पूर्व मंत्री का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। प्रदेशवासियों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी सरकार नहीं कर पा रही है। पहले लोकसभा चुनाव में मिली हार और अब बीजेपी का यह चौतरफा हमला कमलनाथ सरकार के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ कैसे इस मुश्किल से सरकार को निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।